दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम ऐसे मुद्दे को लेकर हाजिर हैं जो हमारे साथ एंटी करप्शन के चेयरमैन राजेश चौधरी जी हैं, जो लगातार पिछले 6 वर्षों से गांव में गरीब असहाय या मजदूरों की सेवा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। लगातार ये बालिकाओं की सेवा कर रहे हैं, महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, महिलाओं में साड़ी वितरण, कंबल वितरण, बुजुर्गों में भी उनका तमाम काम है। वहीं शादी विवाह के अवसर पर बालिकाओं को इनके द्वारा सिलाई मशीन, अलमारी, बक्से देने का कार्य किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ ये बातचीत के लिए मौजूद है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनके दिमाग में समाज सेवा करने का कार्य कब से शुरू किए और ये दिमाग में कहां से आया और अब तक इनकी संस्था कहां तक पहुंच चुकी है, कितने मेंबर इनके पास हो चुके हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि कोविड के दौरान में जब लोग घर से निकल नहीं पाते थे, तब इनकी संस्था द्वारा लगातार लोगों को मास्क, सैनिटाइजर जैसे सामानों को वितरण किया गया, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बच पाई। आप लोग जान ही रहे हैं कि कोविड का ऐसा समय था कि लोग घर से नहीं निकल पाते थे, लोग अपने अपने मकानों में कैद थे। तब भी ये जो बैठे हैं राजेश चौधरी द्वारा, इनकी संस्था द्वारा लगातार क्षेत्रों में ये कार्य किए गए हैं। राजेश जी आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। तो राजेश जी आप ये बताइए कि आपके मन में ये संस्था बना के या ट्रस्ट बना करके लोगों को समाज सेवा करने का कार्य या विचार कहाँ से आया और कब आया? हमारे पढ़ाई पीरियड से हमारे दिमाग में था। हम लोगों को देखकर ये योजना बना रहे थे कि भगवान के उस लायक अगर हम हो जाते हैं तो लोगों की सहायता करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं और जो मजबूर हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें संस्था बनाएंगे। उस संस्था के तहत ऐसे गरीब लोगों की सेवा की जाए जिसकी कोई सेवा ना करने वाला हो। तो आज तक आपने जो संस्था बनाए तो कितने मेंबर थे जो आपने बनाए और कब बनाए? संस्था शुरू में बनाने के लिए 6 साल पहले हमने संस्था बनाई है। 6 साल में हमारे पास रजिस्ट्रेशन करते समय सिर्फ 5 मेंबरों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद 6 वर्षों में लगातार हम 32 लाख मेंबर बना चुके हैं और ये संस्था भारत देश के 18 प्रदेशों में कार्यरत है। भारत देश के 18 प्रदेशों के हर प्रदेश में हमारी ऑफिस है और हर ऑफिस में लगभग संख्या भी अच्छी है। तो अब तक आप देख रहे थे कि राजेश जी हैं, उन्होंने बताया कि इनके मन में, देखिए जब आदमी कोई चीज़ देखता हो और उसका समाज में कुछ कार्य करने का विचार होता है तो ऐसे ही होता है। ऐसे राजेश जी ने किया, इनकी पढ़ाई से लेकर के और इनके दिमाग में था कि गरीबों की सेवा को कैसे किया जाए, इसलिए इनके मन में विचार आया कि स्वयंसेवी संस्था बनाएंगे और एक संस्था के माध्यम से लोगों की सेवा की जाएगी और लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। जो इच्छुक लोग होंगे वो इस संस्था में आएंगे और उसके माध्यम से गरीबों की सेवा की जाएगी। तो राजेश जी अब तक आपने कितने महिलाओं को, बालिकाओं को या पुरुषों को आप सेवा कर चुके हैं? अभी तक लगभग 1.5 लाख बालिकाओं को, बालिकाएं प्लस औरतों को मिलाकर साड़ी, कंबल प्लस अलमारी, सिलाई मशीन या वितरण किया गया लगभग 1.5 लाख औरतों को, बच्चों को। तो जी और संस्था में जो 32 लाख वर्कर बने हुए हैं, लगभग हमारी उम्मीद रहती है कि हर साल 15,000 से लेकर 20,000 बालिकाओं को शादी अनुदान में एक बड़ी अलमारी और एक बड़ा बक्सा दिया जाता है। तो हमारे जो दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं आखिर इतने पैसे कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? इस पैसे के लिए कुछ तो सरकार द्वारा मिल जाता है जी। अभी तक सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जो भजन यहाँ हरियाणा के थे खट्टर जी ने, उन्होंने कुछ अनुदान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं बिहार के, उन्होंने भी कुछ सहयोग अभी तक दिया है। ठीक है, तो जो इनके मेंबर हैं इनके द्वारा भी सहयोग किया जाता है और उसी पैसे से ये जो है समाज सेवा करने का कार्य करते हैं। एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे कि आप महिलाओं या बालिकाओं को सिलाई मशीन देकर के या बक्सा देकर के आप क्या संदेश दे रहे हैं? हम संदेश देते हैं जो गरीब परिवार के लोग इससे जुड़ते हैं। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान, जो भी बच्चे, लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे औरत हो, जो भी बच्चे इनसे जुड़ते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम उनको आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाता है और लोगों को वितरित किया जाता है। देखिए जो हमारी बालिकाएं हैं इनको जो सिलाई मशीन मिलती है, तो सिलाई मशीन एक ऐसा माध्यम है
जिससे हमारी बालिकाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है। क्योंकि मशीन से जो कपड़े की सिलाई होती है, इनका उद्देश्य साफ जाहिर है कि महिलाओं या बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, समाज में अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए लड़ना, ये इसके लिए ये लगातार लोगों में जागरूक कर रहे हैं। आपकी जो संस्था है, क्या नाम है? हमारी संस्था का नाम है भारतीय भ्रष्टाचार अन्वेषण एवं उन्मूलन परिषद, कामा एंटी करप्शन। देखिए, इनकी संस्था का नाम ये है। संस्था का उद्देश्य ये है कि समाज में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह संस्था बनाई गई है। संस्था का उद्देश्य है समाज की सेवा भी करना है। इसके तहत इनका कार्य लगातार समाज में किया जा रहा है। समाज में होने का मतलब कि इन्होंने कहा कि लगभग 1.5 लाख लोगों को इन्होंने सम्मानित कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को सम्मान किया गया है जो समाज में असहाय हैं, गरीब हैं और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके लिए इन्होंने गर्मी के मौसम में महिलाओं को साड़ी और ठंड के मौसम में उन्हें साल एवं कंबल का वितरण लगातार किया जाता है। तो आपके संस्था में कोई मेंबर बनना चाहे, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? हमारे संस्था में अगर मेंबर बनना है तो सिर्फ एक आधार कार्ड की फ़ोटो कापी प्लस एक फ़ोटो की ज़रूरत है जी। प्लस संस्था में हम बालिकाओं को इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि जो भी बालिका हमारी हो चाहे आपकी हो, संस्था में अगर जुड़ी है तो उसके जुड़ने के 2-2.5 साल बाद अगर उसकी शादी है तो उसकी शादी में हम एक बड़ा अलमारी और एक बड़ा बॉक्स देते हैं। प्लस बिटिया का आई कार्ड इसलिए बनाया जाता है कि बिटिया हमारी हो चाहे आपकी हो, हम आप बहुत बढ़िया घर देकर शादी करते हैं। शादी के कुछ दिन बाद वही उसके ससुराल वाले कोई प्रताड़ित करें, चाहे उसका पति हो, चाहे उसका देवर हो, चाहे उसका ससुर हो, अगर प्रताड़ित करते हैं तो लड़की अपने माँ बाप से सहायता मांगती है। लेकिन अगर इस संस्था में वो लड़की जुड़ी है तो माँ बाप की जरूरत नहीं है। संस्था का अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, संस्था का ही वर्कर उसकी सहायता करता है जी। देखिए, आपकी बड़ी अच्छी सोच है कि आप महिलाओं बालिकाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लेकिन ये प्रदेश बहुत बड़ा है राजेश जी, तो क्या आप ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे अपने पदाधिकारियों को बना रहे हैं कि नहीं? हाँ, अभी पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक पर गांव पंचायत से लेकर न्याय पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर, फिर तहसील स्तर, फिर जिला स्तर, फिर मंडल स्तर, फिर प्रदेश स्तर, सभी स्तरों पर हमारे सदस्य हैं और देश के 18 प्रदेशों में लगभग 32 लाख वर्कर हो चुके हैं जी। तो आप देख ही रहे हैं कि ये संस्था कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, ये संस्था बहुत बड़ी है। और कोविड के दौरान में राजेश जी, जब लोग नहीं कर पा रहे थे तो लोग असहाय ही हो गए थे, अपने घरों में कैद थे, ऐसे में आपकी संस्था द्वारा लगातार क्षेत्रों में चाहे सैनिटाइजर का वितरण हो या मास्क का वितरण हो या लोगों में जागरूकता का की जरूरत हो, ये सब आपने किया, तो उस समय आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लग रहा। हमारा काम है, हमारी संस्था काम है कि लोगों की सेवा करना। तो कोविड के अवसर पर भी हमारी टीम घर घर जाकर, द्वार द्वार जाकर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जाता था, हर दरवाजे पर मेडिकल का भी उपचार किया जाता था। देखिए, इनकी सोच आप देख ही पा रहे हैं कि जब लोग रहेंगे तभी इनकी रहेगी संस्था। इसको लेके इन्होंने कोविड के दौरान में बाहर निकले और बाहर निकलते हुए इन्होंने जो भी मिल जाते थे गांव-गांव में इन्होंने अभियान चलाया और गांव-गांव में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किए। तो कितना आपने वितरण किया होगा? लगभग 15,000 से अपने ज़िले में 15,000, लगभग प्रदेश में 2.5 लाख लोगों को वितरण किया गया था। देखिए, अपने ज़िलों में इन्होंने बताया भाई बस्ती जनपद में लगभग 15,000 और पूरे प्रदेश में मिला के लगभग 2.5 लाख लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया है। तो ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र में समाज सेवी हैं जो दूसरों के सुख दुख में ये प्रतिभागी बनते हैं। समाज में कहीं से इनको ज़रूरत होती है, कहीं भ्रष्टाचार हो या कोई ऐसा हो, गरीब परिवार हो जिसके पास कपड़े ना हो या ठंड के सीजन में उसे कंबल ना हो, तो ऐसा सूचना मिलने के बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौधरी चेयरमैन जी हैं, इनकी टीम पहुंचकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य करती है। इनका दावा है कि समाज में कोई भी गरीब से गरीब तबका ऐसा ना हो जो सुविधाओं से वंचित रह जाए। इसको लेके इनकी संस्था लगातार कार्य कर रही है। इन्होंने बताया है आप लोगों को, इनके संस्था में मेंबर बनने के लिए बहुत
सिंपल सी प्रक्रिया है, एक आधार कार्ड और फोटो इनको दे दिया जाए कि अपना आई कार्ड बना के दे सकते हैं। और समाज में कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो या कहीं किसी प्रकार का कोई अन्याय हो रहा हो तो इसके खिलाफ आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी इनके मेंबर हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आप लगातार अधिकारियों को भी सम्मानित किए हैं जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे सभी अधिकारियों को? जो भी अधिकारी चाहे थानेदार हों, चाहे SDM हों, चाहे जिला अधिकारी हों, हर अधिकारी को हम सम्मानित करते हैं जो गुड वर्क करते हैं हमारी जनता के लिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी हमारी जनता की सेवा के लिए होती है। जो अधिकारी जनता की सेवा करेगी करेगा उसी का हम सहयोग करेंगे, उसी को सम्मानित करेंगे। प्लस हमारी संस्था का एक नारा है, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। सबको हमें जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। देखिए ये इनकी दो लाइन की देर है, जो इन्होंने पढ़ा है, जो इनके जो इनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य है उसको आपने पढ़ा है, तो निश्चित तौर पर आज आपने SDM हरैया को सम्मानित किए हैं। आज SDM हरैया गुलाबचंद जी को हमने सम्मानित किया क्योंकि उनका वर्क बढ़िया है। हाँ देखिए SDM हरैया गुलाबचंद जी, अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ में 24 घंटा ड्यूटी करके उन्होंने ऐसा कार्य प्रस्तुत किया है जिसे बाढ़ क्षेत्र में उन्होंने नाव लगाई, बाढ़ के दौरान लोगों से जुड़े रहे। इसको लेके राष्ट्रीय एंटी करप्शन के चेयरमैन राजेश चौधरी द्वारा उन्हें पहुँच कर आज सम्मानित भी किया गया है। ऐसे अधिकारियों को लगातार सम्मानित किया जाता है जो समाज के प्रति अच्छी सोच रखते हैं और समाज के लोगों का अच्छा कार्य करते हैं। तो राजेश जी, आपकी जो मेंबर हमारे बनना चाहते हैं या जो बने हैं उनसे क्या अपील है? हमारे जो मेंबर बनना चाहते हैं या जो बने हैं, हम हर वर्करों से, हर मेंबर से यही अनुरोध करते हैं कि सभी वर्कर जो भी कहीं कोई गरीब परिवार है उसकी सहायता करें। अगर वो सहायता करने में सक्षम नहीं है तो हमारे पास फोन करें, हमसे संपर्क करें, हम उनकी सहायता करवाएंगे। देखिए धन्यवाद, अब तक आप देख रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। तो ऐसे खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल, हमारा Facebook पेज, Instagram सहित Twitter को भी फॉलो करें। निश्चित तौर पर आपके जिले की हर खबर आपके लिए मौजूद रहेगी। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में दूसरे बिंदुओं के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।